करते हैं मास्टर जी। जिस चिड़िया के चक्कर में आप कौवे की तरह कांव कांव कर रहे थे, वो चिड़िया तो आज होगी, कल क्या होगा मास्टर जी आपका? हमें धमका रहे हैं? ना भाई, समझा रहे हैं। जो हमारा स्कूल है ना, वो बहुत है खून पसीना की कमाई से बनाया हुआ है। उसको नुकसान पहुंचाएंगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अबे चुप सरवा। जब ये गाँव का बच्चा लोग पढ़ाई के लिए तरस रहा था तो हमने स्कूल बनवाया, अब उनको शिक्षा भी अच्छी मिल रही, तब काहे उंगली कर रहे हैं भाई साहब? हैं? अरे माना कि आपने स्कूल में सुधार किया है, लेकिन इसका मतलब ही थोड़ी है कि हमारा स्कूल का बच्चा खींच लेंगे। हैं? सरकारी नौकर है ना आप भैया, सरकारी नौकर है ना, तो चाहे एक बच्चा को पढ़ाइए चाहे 100 बच्चा, सरकार आपको तनख्वाह उतना ही देगी, समझ रहे हैं ना? देखिए मिस्टर, मैंने कुछ नहीं किया, बच्चे अपने घर वालों की मर्जी से आपका स्कूल छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे विद्या के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया है आप लोगों ने। सेवा में श्रीमान आचार्य महोदय, सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी के स्कूल से आप ये जितने बच्चे लेकर आए हैं उन्हें वापस कर दीजिए, वरना प्रार्थी आपको बीच चौराहे पर खड़ा करके इतने डंडे मारेगा, इतने डंडे मारेगा, इतने डंडे। प्रणाम, चल रहे।